बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ घर में बनाया जाने वाला मावा या खोआ, जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट बन जाता है। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप खुश्क दूध, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर 1 कप, ताज़ा फ्रेश जो फुल क्रीम दूध है वो है मेरे पास, और 2 खाने के चम्मच आप इसमें बटर ऐड करना है, लेकिन मेरे पास इस टाइम बटर नहीं है तो मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 खाने के चम्मच इसमें देसी घी शामिल कर लिया है, इसको मेल्ट होने देते हैं। आँच को आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें फ्रेश दूध डाल रहे हैं और इसको हमने यकजान कर लेना है। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 2 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा ये घी और दूध जो है वो अच्छे से यकजान हो गए। तो अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हमारा खोआ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहा है। फ्लेम हमने बिल्कुल लो ही रखनी है और इस वक्त तक हमने इसको चम्मच से चलाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल इकट्ठा ना हो जाए, पैन को छोड़ ना दे। तो हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से यकजान ना हो जाए। तो तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, खोआ हमारा तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल रेडी है। अगर आपने इसको ब्राउन करना है तो आप इसको मज़ीद फ्राई करके इसका कलर भी ब्राउन कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने हलवे में यूज़ करना है तो हमने इसको इसी शक्ल में रखना है। तो ये देखें, हमारा झटपट सा जो है वो खोआ तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे मावे की जो है वो फाइनल लुक, खोआ या मावा इसको आप बोल सकते हैं। अगर आप इसको खोआ बनाना चाहते हैं, इसको मीठा करना चाहते हैं, तो उसमें आप इस कंडीशन में जब आप इसको फ्राई कर रहे हो तो उसमें आप हंसपे जायका चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हलवे में इस्तेमाल करने, इसलिए इसमें मैंने मीठा नहीं डाला है। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी झटपट से बनने वाली, तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।